देख रहे न्यूज नेटवर्क टुडे। भारतीय जनता पार्टी को अनुशासित पार्टी अभी तक कहा जाता था, लेकिन आज जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रीवा के एनसीसी मैदान में मंच में नेता आपस में और मंच के नीचे कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। आप भी देखिए एनसीसी मैदान में क्या कुछ हुआ। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी अभी तक यही कहा जा सकता था, लेकिन आज रीवा में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान देखकर जो कुछ दिखाई दिया उसको देखकर आप ऐसा अब शायद नहीं कह सकते। एक तरफ मंच में भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ला, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, गोरखपुर सांसद रवि किशन, सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित अन्य तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। उसी दौरान जन आशीर्वाद यात्रा के टीम के एक प्रमुख सदस्य राजगोपालचारी के साथ एक अभद्रता हुई, जिसके चलते वाद विवाद के बाद राजगोपालचारी मन छोड़कर चले गए। हम आपको बता दें, राजगोपालचारी उस टीम के सदस्य हैं जिसको विंध में जन आशीर्वाद यात्रा की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस टीम में सारे वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं। इकलौते कार्यकर्ता के रूप में राजगोपालचारी का नाम दर्ज था। वहीं दूसरी ओर मंच के नीचे भी एक नज़ारा देखने में नजर आया। अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों से, खास तौर से महिला पुलिस कर्मियों से जिस तरीके से वाद विवाद करते नजर आए, उसको देखकर क्या कुछ कहा जा सकता है, आप तय करिए। देखिए ये दोनों वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।